हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाठक जी। और दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सब्लिमेशन प्रिंटिंग के बारे में। दोस्तों, मैं इससे पहले भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि आप सब्लिमेशन 3D मोबाइल कवर किस तरीके से प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको आई टैब वाले बटन से मिल जाएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह का वुडन फोटो फ्रेम प्रिंट करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी ऐड की है, तो आप अगर डिजाइनिंग नहीं जानते हैं तो आप इसके माध्यम से थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी तरह की टेक्निकल वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन या डाउट होने पर कमेंट सेशन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देरी किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा फोटो फ्रेम है ये दो पार्टों में बटा हुआ है, जिसमें से कि एक पार्ट होता है जिसे हम दीवार पे लगाते हैं और दूसरा पार्ट दोस्तों इसका है जिस पर हम फोटो को छापते हैं, जिस पर हम फोटो को प्रिंट करते हैं, दूसरा वो वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इसे बाहर निकालने के बाद में जो हमारे फोटो छापने वाले जो पार्ट्स हैं उनको हमें बाहर निकाल के और इनको प्रिंटर के स्कैनर में रख के अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर इसको सबसे पहले स्कैन कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इनका नाप लेकर भी, मतलब कि ये लंबाई और चौड़ाई में कितने इंचेस के होते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास में इंची टेप अभी मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको स्कैन करना ही उचित समझा। तो जब हम दोस्तों इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर स्कैन करेंगे तो इसकी जो रिजोल्यूशन वाइज जो सेटिंग है वो हम 300 dpi रखेंगे। इमेज का फॉर्मेट दोस्तों हमें JPEG कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप डिजाइनिंग के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं फोटोशॉप के अंदर डिजाइनिंग करता हूँ, तो इसलिए दोस्तों मैं फोटोशॉप को खोल लेता हूँ। और जो फोटो वाले पार्ट्स हमने अभी स्कैन करके अपने लैपटॉप में सेव किए हैं, इनको दोस्तों हमें फोटोशॉप में ले जा करके खोल लेना है। फोटोशॉप में खोलने के बाद में दोस्तों हमें इनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनको सेलेक्ट करके और कंट्रोल के साथ में एक्स दबा के कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करके नया पेज ले लेना है और वहां पर दोस्तों हमें कंट्रोल के साथ में वी दबा के इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे जितने भी पार्ट्स हैं इसमें, जैसे कि इसमें दोस्तों 5 पार्ट्स हैं, तो पांचों के पांचों पार्ट्स को हमें सेम इसी प्रोसीजर से कट और पेस्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों हमें जो भी इमेज इनके ऊपर में लगानी है उनको भी हमें फोटोशॉप के अंदर ला करके खोल लेना है। और बारी बारी से दोस्तों हमें पहले से कट किए हुए जो हमारे डिजाइन हैं उनके ऊपर ले जाकर एक एक फोटो को पेस्ट कर देना है। दोस्तों, फोटो का साइज बड़ा या छोटा करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ में टी दबा देना है। हम फोटो को कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, यहां पर अगर हमें अपने फोटो को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो हम 5, 6, 7 कोई भी हम बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और इससे होता ये है कि हमें जो इसका निचले वाला जो इमेज है उसके साथ में इसको एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है। दोस्तों याद रखना, कंट्रोल के साथ में टी दबा के आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो और 4, 5, 6, 7 कोई भी बटन दबा के आप अपने इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जब आप 9 वाले बटन को डबल बार प्रेस करोगे तो आपका जो इमेज है वो पहले की तरह ही हो जाएगा, मतलब जैसे हमने ट्रांसपेरेंट किया था, तो इसको वापस से वैसा ही, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें 9 को डबल बार प्रेस कर। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक A4 साइज की शीट ले ली है और इस पर हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेज है इनको हम एडजस्ट करने के बाद में इस A4 वाली शीट पर ला करके पेस्ट कर देंगे, ड्रैग करके हम ले आएंगे और इस पर ला के छोड़ देंगे। ये जो है उसी साइज में ही आकर के इस पर पेस्ट हो जाएगी जिस साइज में हमें इसको प्रिंट करना है। इससे दोस्तों ये होगा कि हम एक ही A4 शीट पर कई सारे फोटोज को प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फोटो में थोड़ी सेटिंग करना चाहते हैं, थोड़ा कलर करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं फोटोशॉप के अंदर। तो अगर आपको फोटोशॉप की नॉलेज है तो आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, वरना थोड़ी बहुत सेटिंग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें किस तरीके से करनी है। दोस्तों
दोस्तों इसमें कुछ इमेजेस ऐसी हैं जिसमें हमें थोड़ा कलर करेक्शन वगैरह भी करना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि हमने कंट्रोल के साथ में एल को दबाया है और कंट्रोल के साथ में एल को दबा के जो आप ये तीन एरो के निशान यहाँ पर देख रहे हैं इनको एडजस्ट करके हम अपने फोटो को सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसका कलर बैलेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दबाना है कंट्रोल के साथ में बी। कंट्रोल के साथ में बी दबाने के बाद में दोस्तों आपके जो आरजीबी कलर होते हैं उनकी सेटिंग्स आ जाती हैं। तो इनको आप सही तरीके से एडजस्ट करने के बाद में और फोटो को अपने जो डिजाइन आपने पहले से स्कैन करके रखा है उस पर ले जाने के बाद में आपको सेम वही जैसा हमने पहले वाले इमेज के साथ में किया है सेम उसी प्रोसीजर से सारे के सारे फोटोज को हमें एडजस्ट कर लेना है। और सारे फोटोज एडजस्ट करने के बाद में दोस्तों हमें इसी तरीके से उस A4 वाले जो हमने A4 की एक शीट ली है जिस पर हमने पहले से इमेज ला के रखी हुई है तो उसी पर ही ला करके हम दोस्तों इन्हें पेस्ट करते रहे कि हमारी जो सारी की सारी इमेज है वो एक साथ एक ही पेपर पर निकल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपना एक कस्टमाइज यूनिक डिजाइन बनाना है। इसके लिए दोस्तों जो हमारा पहले से स्कैन किया हुआ पार्ट है उस पर अगर दोस्तों हमें कुछ लिखना है तो इसके लिए हम या तो T वाले बटन को प्रेस कर देंगे या फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे जाकर जो ये T वाला ऑप्शन बना हुआ है इस पर क्लिक करके भी हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी लिखना है वो हम लिख लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर हमें यहाँ पर कोई बैकग्राउंड लगानी है तो उस बैकग्राउंड को हम इस वाले पार्ट पर ड्रैग करके ले आएंगे और इस वाले पार्ट पर लाने के बाद में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी हमने लिखा हुआ था टेक्स्ट वो इस बैकग्राउंड के नीचे चला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेयर वाला ऑप्शन खोलने के लिए F7 का यूज करते हैं। जब हम F7 वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ से दोस्तों इसकी लेयर के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ से हम इस बैकग्राउंड टेक्स्ट वाला जो लेयर हमें दिखाई दे रहा है तो इसे ड्रैग करके इसके नीचे कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। जो भी हमने यहाँ पर लिखा है अगर उसके हमें फॉन्ट चेंज करने हैं तो हम यहाँ ऊपर जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर जाकर दोस्तों हम अपना मनचाहा डिजाइन जो भी हमें फॉन्ट अच्छा लगे उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमें इसके अंदर एक और डिजाइन ऐड करना है तो उसको भी हम पहले से डाउनलोड करके रख लेंगे, पैक करके इसके ऊपर ला करके छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसे कंट्रोल के साथ में टी दबा करके एडजस्ट कर लेंगे। और अगर दोस्तों जो हमने लिखा हुआ है इसकी हमें आउटलाइनिंग करनी है तो इसके लिए दोस्तों हमें लेयर वाले मेन्यू में चले जाना है और लेयर वाले मेन्यू में जाने के बाद में दोस्तों हमें लेयर स्टाइल पे क्लिक करना है। और लेयर स्टाइल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाके दोस्तों हम इसकी आउटलाइनिंग भी बना सकते हैं। दोस्तों आउटलाइनिंग का कलर वगैरह भी हम यहीं से चूज करके ओके कर देंगे तो जिस तरह की हमें आउटलाइनिंग चाहिए जिस कलर की चाहिए वो आउटलाइनिंग हमारे टेक्स्ट में आ जाएगी। और अगर दोस्तों हमें अपने टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है तो जैसे ही हम दोस्तों अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों जिस भी कलर का हमें अपने टेक्स्ट को करना है वो कलर हम यहाँ से चूज कर लेंगे, इसको दोस्तों हम ओके कर देंगे। डिजाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में दोस्तों जिस तरीके से हमने पहले के बाकी इमेजेस को एक A4 साइज के पेपर पर लाकर रख लिया था इसी तरीके से इसको भी एक A4 साइज के पेपर पर लाकर रख लेना है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी इमेज है उसको भी इसी पेपर पर रख लेना है और इसके बाद में दोस्तों हमें इन्हें प्रिंट कर लेना है। दोस्तों प्रिंट करने से पहले आपको याद रहे यहाँ पर दोस्तों जब हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रिंटर सेलेक्ट है उसके सामने एक प्रॉपर ऑप्शन आता है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज में A4 साइज होना चाहिए। पेपर टाइप में दोस्तों हमें यहाँ एप्सन मैटे पेपर को चूज कर लेना है और क्वालिटी में दोस्तों हमें हाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों कलर के सामने हमें कलर पे ही क्लिक करे रखना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर ऑप्शन, तो मोर ऑप्शन पे जाके दोस्तों हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो इमेज में एडिशनल सेटिंग्स हैं उसमें मिरर इमेज पे हमें क्लिक करना है। दोस्तों ये हमारा मिरर इमेज जो है मतलब कि हमें जो छपाई करनी है वो जैसी हमारी इमेज है उसकी उल्टी करनी है तो हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो निकल रहा है धीरे धीरे। ये हमारा प्रिंट आउट निकल चुका है तो अब दोस्तों हमें करना ये है हमें अपने सारे के सारे इमेज को कट कर लेना है। इमेज को कट करने के बाद में दोस्तों हमारे जितने भी प्रिंटिंग वाले पार्ट्स हैं इनके ऊपर दोस्तों एक प्रोटेक्शन लेयर होती है
तो इन प्रोटेक्शन लेयर्स को दोस्तों हमें अपने नाखून की सहायता से उतार लेना है। सारे के सारे पार्ट्स के प्रोटेक्शन लेयर उतारने के बाद में दोस्तों हमें जो हमने अपनी इमेजेस निकाली हुई हैं, प्रिंट की हुई हैं, तो उसके ऊपर में दोस्तों हमें उसको रख देना है। और इसके ऊपर रखने के बाद में दोस्तों हमें इसको हीट प्रूफ टेप से अच्छे तरीके से चिपका लेना है। और यही काम दोस्तों हमें सभी पार्ट्स के साथ में करना है, जितने भी हमारे प्रिंट करने वाले पार्ट्स हैं उन सभी को इसी तरीके से दोस्तों हमें जो हमने अपने इमेज का प्रिंटआउट निकाला है उसके ऊपर में चिपका देना है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारी हीट प्रेस मशीन है उसके ऊपर दोस्तों हमें इन्हें अच्छे तरीके से रख लेना है। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रिंट वाला जो पेपर हमने अपने इस प्रिंटिंग वाले पार्ट के ऊपर में चिपकाया है, तो पेपर वाली जो साइड है दोस्तों वो हमेशा ऊपर रखनी है। और दोस्तों वुडन फोटो फ्रेम के जो ये पार्ट्स हैं इनको प्रिंट करने के लिए दोस्तों हमें अपनी मशीन का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 355 रखना है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दोस्तों वो भी हमें 355 ही रखना है। और यहाँ पर दोस्तों हमें 60 सेकंड्स जो है वो टाइमिंग में सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो हीट प्रेस मशीन है उसका टेम्परेचर जो है वो 355 से भी थोड़ा ज़्यादा आ गया है। और यहाँ पर दोस्तों हमें अपने हीट प्रेस मशीन को अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है, और यहाँ पर दोस्तों हमें टाइमिंग वाले बटन को दबा देना है। जैसे ही दोस्तों इसकी टाइमिंग कंप्लीट होती है तो यहाँ पर हमारी जो मशीन है वो बीप करने लगती है। तो टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों हमें अपनी मशीन को ऑफ कर देना है। मशीन को ऑफ करने के बाद में दोस्तों हमें अपने हीट प्रेस मशीन का हैंडल उठा देना है। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये जो प्रिंटिंग पार्ट्स हैं ये बहुत ही गर्म होते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें। और इसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इनकी जो हमारा प्रिंटिंग वाला जो लेयर था वो सब हटा दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि सभी के सभी पार्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें इन सारे के सारे जो हमारे प्रिंट करे हुए पार्ट्स हैं इनके पीछे हमें डबल टेप लगा देनी है, और डबल टेप की सहायता से दोस्तों हमें इन्हें इन फोटो फ्रेम्स पे चिपका देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फोटो फ्रेम तैयार कर लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।